नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हिक पार्टनर प्रो ऐप के थ्रू SATP टूल्स को कैसे यूज करें, इस SATP टूल्स से आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो आपको बिना लैपटॉप बिना कंप्यूटर के आपको इसमें फ़ायदा होगा। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी IP कैमरे NVR को आप कन्फिगर भी कर सकते हो SATP टूल से, और हिक विजन को जो भी कंप्लेन करनी है उस SATP टूल से, जैसे पासवर्ड रिसेट हो गया और अनबाउंड वाला जो प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इससे रिलेटेड वीडियो है, लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आप सभी के सामने अनाउंस करना चाहूंगा, मैंने YFM देखो इनाम जीतो कॉन्टेस्ट 3 को लॉन्च कर दिया है। और पिछले दो कॉन्टेस्ट की तरह भी इस कॉन्टेस्ट में होंगे काफी प्राइजेस, जिसमें कि फर्स्ट है 5MP का JK विजन का IP कैमरा, सेकेंड प्राइज है आपका 8 चैनल का स्मार्ट POE स्विच, थर्ड प्राइज है 4 चैनल का स्मार्ट POE स्विच, फोर्थ प्राइज है Wi-Fi PT कैमरा, और 5th और 6th प्राइज है बुलेट और डोम कैमरा, 4MP का IP कैमरा कलर व्यू कैमरा, और 7th और 8th प्राइज है 2.4MP का एनालॉग HD कैमरा कलर व्यू कैमरा। JK विजन के ये सारे प्रोडक्ट हैं और ये आप जीत सकते हैं। जीतने के लिए क्या करना है, पिछले दो कॉन्टेस्ट में आपने काफी प्राइजेस जीते, LED TV जीते, POE स्विच जीते, NVR जीते, DVR जीते, कैमरे जीते, काफी चीजें जीते। तो यहां पर क्या करना, आपको मेल करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी दिख जाएगा और यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, आपको मेल करना है और मेल करके मेरे 5 ईबुक है, 5ों में से कोई भी एक ईबुक को बाय करना है। 8 मार्च से 14 मार्च तक डेट है, आपको बाय करना है जो ईबुक है, आईपी कैमरा बाइंग गाइड, एनालॉग एचडी कैमरा बाइंग गाइड, हाउ टू ग्रो इन सीसीटीवी बिजनेस, हाउ टू मेक सीसीटीवी कोटेशन और हाउ टू गेट AMC। पिछला 3 ईबुक जो है वो सीसीटीवी टेक्नीशियन या जो काम करते हैं उनके लिए, यार पहला जो 2 ईबुक है आईपी कैमरा और एचडी कैमरा बाइंग गाइड कस्टमर के लिए है। तो कस्टमर और टेक्नीशियन सारे जो भी हैं वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इन 5ों में से कोई भी ईबुक को बाय करना है, कोई भी ईबुक को बाय कीजिएगा, 250 रुपए एक ईबुक का प्राइसेस है जो कि मैंने कम कर दिया इस कॉन्टेस्ट को लेकर। आपको मेल करना, मेल करके आपको ईबुक बाय करना है, मेल करके आपको बताना कौन सा ईबुक चाहिए, मैं आपको QR कोड दूंगा, पेमेंट भेजते मैं आपको एक ईबुक के साथ ज्वाइनिंग कोड भेजूंगा, उस ज्वाइनिंग कोड के आधार पर 15 मार्च को मैं लाइव आऊंगा और लाइव में आकर आप सभी के सामने अनाउंस करूंगा, लकी ड्रॉ करूंगा आपके सामने लाइव में। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए आप सभी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखते हैं कि SATP टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने DVR, NVR या IP कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऐप को ओपन कर दिया है, पार्टनर प्रो ऐप को, याद रखिएगा जहाँ पर DVR NVR लगा है, जिस राउटर से कनेक्टेड है उसी के वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा आपका SATP टूल्स क्लिक करते हैं आपका इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी DVR हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, एक्टिवेटेड है, और यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ देखिए, एक्टिवेट एंड असाइन IP एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, IP की सेटिंग आ रही है, और IP की सेटिंग आ जाने के बाद आप काफ़ी काम कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IP कैमरा कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहीं पर इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इंटर पासवर्ड पूछ रहा है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो क्रिएट पासवर्ड आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर डिवाइस का IP एड्रेस आप जो है कुछ चेंज कर सकते हैं, कैसे करना है, सिंपल चीज़ है, आप चेंज कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज विद फ़ोन टाइम कर सकते हैं। मतलब SATP टूल्स अब लैपटॉप में जो आप यूज़ करते हैं ना वो इसलिए हट रहा है क्योंकि आपको पता है कि लैन वायर तो अब जो है नहीं आ रहे हैं लैपटॉप वगैरह में, तो हो सकता है कि कंपनी इसको काफ़ी वैन पे ला रही है, तो वाईफाई के थ्रू काफ़ी एडवांस फीचर्स वगैरह दे रही है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, और काफ़ी यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह जितने भी एडेड है उस राउटर से वो यहाँ पर लिंक चैनल टू NVR, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल के आप NVR से जो है चैनल जो है आप कोई भी IP कैमरा वगैरह ऐड कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। अब देखिए सबके IP आ गए, अब यहाँ पर IP चैनल यहाँ पर दिया हुआ है, लिंक चैनल टू NVR यहाँ पर दिया हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं, यहाँ से आप IP कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। IP कैमरा जो एडेड है वो यहाँ पर दिख जाएगा, नया करना है तो यहाँ पर सर्च करना है IP, तो वो सारी चीज़ें आपको दिख रही है। उसके बाद सेट पैरामीटर्स है, काफ़ी फीचर्स वगैरह हैं जो कि आसानी इजीली मिल जाएंगे, और डिवाइस जो है हेल्थ मॉनिटरिंग में जो जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं, और उससे प्लस है क्योंकि हेल्थ मॉनिटरिंग में आपको IP से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो IP से रिलेटेड नहीं मिलेगा तो आपको कई बार क्या होता है कि उसमें दिक्कत होता है अनबाउंड वगैरह इश्यूज़ में, तो अनबाउंड के लिए भी ये काफ़ी आसान हो जाता है, और ऑनवीप वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं हर कैमरे के अलग अलग तरीके से। इसके बाद आप चाहें तो इसमें आप 3D DNR भी चेंज कर सकते हैं, देखिए नीचे दिया हुआ नॉइज़ रिडक्शन लेवल,
कितना नॉइस का रिडक्शन लेवल को आपको सेट करना है, 3D DNR इसको कहते हैं, बेसिक इवेंट है, अलार्म सेटिंग्स है, सब कुछ कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, तो एवरीथिंग यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं एक एक करके सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी आप कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, हर चीज़ है। अब यहाँ पर देख लीजिए ऐसे डीपी टूल्स में इस तरह से देखिए आ गया है। यहाँ पर कनेक्टेड आईपी है, लाइव व्यू है, प्लेबैक है, मॉडिफाई करना है, वेरीफाई करना है, वो एवरीथिंग सारी चीज़ देखिए, रिबूट डिवाइस, रिस्टोर डिवाइस, प्लेबैक, डिवाइस का नेम, मोर सेटिंग्स, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी ऐसे डीपी टूल से आप डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कैमरा कनेक्शन सब कुछ आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि मान लेते हैं कि आपका आईपी कैमरा नया है, लेटेस्ट है, तो आप बस राउटर से कनेक्ट कर लीजिए और सेम वाईफाई से अपना मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिए, आपका वो उसका आईपी आ जाएगा ऐसे डीपी टूल्स में। उसके बाद फर्स्ट टाइम आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, आप चाहें तो पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए आईपी का गेटवे है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो काफ़ी फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। और आप हिक पार्टनर प्रो ऐप को मैंने बहुत तरह के जो है, यहाँ पर देख लीजिए पासवर्ड को चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए कि लाइव व्यू में किसी का जो है डिस्टर्बेंस नहीं चाहते तो अपने फ़ोन से सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लाइव व्यू अपना चल रहा है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी वारंटी स्टेटस तो खैर नहीं देखना है, इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है और फर्मवेयर अपग्रेड के लिए भी डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो वो सारा आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे डीपी टूल्स में ये जो जो NVR है, सॉरी DVR कनेक्टेड है, वो यहाँ पर शो कर जाता है। तो कुल मिला के इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसका यूज़र मैनेजमेंट है, स्टोर मैनेजमेंट है, हार्ड डिस्क वाला एक बड़ा चीज़ है जिसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि यहाँ पर आप लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन, ये सारा स्मार्ट इवेंट में आप कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं, सेंसिटिविटी लेवल वगैरह, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं हर कैमरे का। तो अलग अलग फीचर्स है जो कैमरा आपका सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट रिमूवल डिटेक्शन, अनअटेंडेंट बैगेज डिटेक्शन, सेंसिटिविटी लेवल, नॉर्मल लिंकेज वगैरह सब कुछ आप सेटअप कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क जो है ना, हार्ड डिस्क को चेक कैसे करते हैं कि हार्ड डिस्क आपका ख़राब है, ठीक है या डैमेज है, तो वो सारी चीज़ भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे स्मार्ट फीचर्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे डीपी टूल से आसानी से कन्फिगर आप कर सकते हैं, बस आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क में दिखाने की कोशिश करूँगा, स्टोरेज मैनेजमेंट पे भी फिलहाल OSD सेटिंग्स है, OSD सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, ड्रॉ रूल्स कर सकते हैं, प्राइवेसी मास्क कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं और रीस्टार्ट, लॉग, डिवाइस डिबगिंग, ये सारा चीज़, लॉग में कितने बार डिवाइस लॉग हुआ है, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है, कब कब लॉग हुआ है ना, कब कब किसने डिवाइस को ऑपरेट करने की कोशिश की है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं, ये इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, एक्सेप्शन, ऑपरेटिंग, अलार्म्स, ये सारा सेटिंग्स आप कर सकते हैं, मेजर माइनर टाइप जो भी आप सेट करना चाहते हो। चलिए इसके बाद डिवाइस डिबगिंग में तो खैर नहीं जाना, ये एक अलग चीज़ है जिसमें आपको मेहनत लगेगी। अब मैं कोशिश करूँगा, यदि प्लेटफॉर्म एक्सेस ऑन वी को इनेबल डिजेबल आप यहाँ से कर सकते हैं, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज मैनेजमेंट में यहाँ देखिए हार्ड डिस्क डिटेक्शन, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क स्मार्ट जो है ना, SMART, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख लीजिए हार्ड डिस्क सेल्फ टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, पावर ऑन काउंट, मतलब हार्ड डिस्क की टोटल कितने बार साइकिल हुआ है, सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। हम यहाँ पर सेल्फ टेस्ट भी करेंगे, नॉट टेस्टेड लिखा है बट हम सेल्फ टेस्ट भी करके देखेंगे। बैड सेक्टर डिटेक्शन आप यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है और बस इसको प्ले कर दीजिए, देखिए बैड सेक्टर डिटेक्शन आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नॉर्मल है तो ग्रीन आएगा और डैमेज है तो रेड आएगा और या फिर आपका येलो आएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन आ रहा है यानी कि हार्ड डिस्क सही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्टिंग हो रहा है। आप इसको 100% तक टेस्टिंग कर सकते हैं, मैंने 0.19% ही टेस्ट करके आपको दिखाया है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप ऐसे डीपी टूल्स के माध्यम से कर सकते हैं, बट हेल्थ मॉनिटरिंग में भी कर सकते थे बट ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो हेल्थ मॉनिटरिंग में आप सिर्फ डिवाइस के स्टेटस चेक कर सकते हो, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मार सकते हो बट ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि हार्ड डिस्क में बीप आ रहा है या कोई कह रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं हार्ड डिस्क खराब है कि नहीं खराब है। तो हार्ड डिस्क खराब है नहीं खराब वो पहले चेक कर लीजिए, इसके बाद आप जो है एडेप्टर चेंज कीजिए। पता चला हार्ड डिस्क सही है
तो फिर क्यों आप चेंज कीजिएगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कॉन्टेस्ट में ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।